Hello and welcome everyone to this new YouTube video. I'm Ananya Shankar and I welcome you all. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NLUs versus IITs versus IIM के बारे में, ठीक है। इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि हम इन प्रोफेशनल डिग्रीज या कोर्सेज को कंपेयर करें, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर प्रोफेशनल डिग्री या हर प्रोफेशनल कोर्स में कई स्किल्स होते हैं जो आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप वो स्किल सीख गए तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कई दिनों से कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे थे और आज उस चीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे, और इसके थ्रू आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा एनहेंस होगी। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसी से आपको नॉलेज मिलेगी, वरना इस वीडियो का कोई पॉइंट नहीं बचेगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि लॉ, बीटेक और एमबीए तीनों ही एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज और प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। तीनों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अर्निंग कैपेबिलिटीज़ एक्सेसिव अमाउंट में, ठीक है। अगर आप अच्छे से स्किल्स एनहेंस करते हैं अपनी, आप रटते नहीं हैं इन सब्जेक्ट्स को, तो आपके जो अर्निंग कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी, ठीक है। कंपटीशन की बात करें अगर, तो क्लैट का जो एग्ज़ाम है, मैंने जब दिया था तो 70,000 एप्लीकेंट्स ने भरा था 2020 में, और JEE में लाखों भरते हैं, IIMs में भी कम भरते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कॉम्पिटिशन जो है एग्ज़ाम की, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ में और जो एप्लीकेशंस में जो कंपटीशन है वो इतना वेरी क्यों करता है, जबकि आप अर्निंग कैपेबिलिटी देखें तो तीनों की सेम ही है। ये मैटर करता है ब्रांडिंग से, क्योंकि IIT JEE की ब्रांडिंग इतनी अच्छी खासी होती है, और इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि UPSC और जुडिशरी में UPSC को लोग ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं। हालांकि जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल है मैं ये मानता हूँ, लेकिन UPSC को ग्लैमराइज किया जाता है, उसे इतना ब्रांड उसका एंडोर्समेंट किया जाता है कि लोग ज़्यादा उसे उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो इसीलिए लॉ एप्लीकेंट्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये बात करता हूँ कि इन तीनों ही डिग्रीज़ के बाद आप एक कॉमन कॉरपोरेट कल्चर सीखोगे तीनों में, ठीक है। कॉरपोरेट कल्चर तो तीनों में कॉमन होगा अगर आप प्लेसमेंट लेते हो किसी भी कंपनीज में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अगर आप खुद का स्टार्टअप भी स्टार्ट करते हो तो स्टार्टअप में भी तीन लोग होते हैं, लीगल एडवाइज़र, CTO यानी कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर, और CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। तो आप देखो कि एक स्टार्टअप को चलाने के लिए भी तीनों अलग अलग प्रोफेशनल डिग्रीज या डाइवर्स फील्ड के लोगों की ज़रूरत है। एक लॉ ग्रेड की भी ज़रूरत है, एक MBA ग्रेड की भी ज़रूरत है, और एक BTech ग्रेड की भी ज़रूरत है। तो स्टार्टअप तब चलता है, तो क्यों ना हम ऐसी स्किल्स को जाने जो इन प्रोफेशनल डिग्रीज और स्किल्स से मिलती है, जैसे कि हम अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ऐसा कर लें कि हम इस तरीके से हम अपने आप को ढाल लें कि हम हर काम अच्छे से कर पाएं एफिशिएंट मैनर में। तो वो क्या चीज़ें होंगी वो इस वीडियो के थोड़े से आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, तभी आपको पता चल पाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट अगर हम एंगल देखें तो UPSC में आप क्यों जाते हैं, कई लोग जो हैं माइग्रेशन करते हैं टू डिफरेंट करियर्स BTech के बाद, क्यों? क्योंकि उन्हें स्टेबल जॉब नहीं मिल पाती। आप बड़े बड़े सैलरीज पैकेजेस तो फोड़ लेते हो, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज आपको कभी भी फायर कर सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, इसीलिए लोग इन एग्जाम्स के पीछे जाते हैं। अब दूसरी चीज़ यह है कि जुडिशरी इतना बड़ा एग्ज़ाम है फिर भी वो लेफ्ट आउट क्यों हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसका पावर बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी वैकेंसी कम है, और ये सिर्फ लॉ ग्रेड्स के लिए एप्लीकेबल है, जबकि UPSC एक जनरल एग्ज़ाम है, उसमें कोई भी बैचलर या ऑनर्स के लोग जो है एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इसीलिए उसमें वैकेंसी भी अच्छी खासी आती है और जॉब्स का नंबर भी अच्छे खासे आ जाते हैं। अब हम देखें कि अगर हम बात करें सैलरी वाली बात जो थी हमारी, कि सैलरी से ज़्यादा फोकस हमें करना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स पे। ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस क्यों करना चाहिए? क्योंकि स्किल्स, फिर से बात वही आ गई, ह्यूमन रिसोर्स को अगर हम स्किलफुल बनाएंगे तो प्रोफेशनल डिग्रीज का महत्व थोड़ा और बढ़ेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों प्रोफेशनल डिग्रीज में क्या क्या स्किल्स सिखाए जाते हैं आपको, जो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग अपने अंदर लाना चाहिए, ताकि आप एक अच्छे एम्प्लॉयमेंट में आप अपने आप को ढाल सकें और अपने आप को इतना केपेबल बनाएं कि आपको कोई भी जॉब आसानी से मिल जाए, या आप अपना भी कुछ इंडिविजुअल रन करना चाहें, स्टार्टअप या कोई भी चीज़, तो आप अच्छे से केपेबल हों उसके लिए। सबसे पहले लीगल फील्ड में काउंसलिंग, रीडिंग, रिसर्चिंग, क्लाइंट से बात कैसे करें, ये सब
ठीक है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल, हर पर्सपेक्टिव हमें बताया जाता है LLB लॉ के कोर्स में, क्योंकि हम ये सारे फील्ड्स को पढ़ते हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स को, तो हम हर चीज़ को एक अच्छे से एनालिसिस, रिविजन और हर एक चीज़ को अच्छे से देख पाते हैं। ऐसे ही UPSC कैंडिडेट्स हर एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उनका भी माइंड जो है, होराइजन जो है, वाइडन हो जाता है। हम कनेक्टिविटी देखें इन तीनों फील्ड्स की, तो लॉ, बीटेक और MBA में, आप MBA में बिजनेस लॉ, तो बिजनेस लॉ में भी MBA होता है, तो ये आप देखें कि सब इंटरकनेक्टेड है। आप जो है IITs में भी आप कई, अब देख रहे हैं कि इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज भी खुल रहे हैं IIT खड़गपुर में, तो ये चीज़ें हैं। अब बीटेक में आपको टाइम मैनेजमेंट मिलेगा, कॉन्फिडेंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, न्यू एज थिंग्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हो रही है, ये सब चीज़ें आपको बीटेक में सिखाई जाती हैं। गाइडेंस, काउंसलिंग, स्ट्रेटजी, कंसल्टेंसी, ये सब चीज़ें तो हर जगह हैं, ठीक है। ये चार चीज़ें हैं, किसी भी प्रोफेशनल डिग्रीज में आ सकती हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, कंसल्टिंग, HR, ये आपको MBA में सिखाया जाता है। ये आपको ऐसे भी अगर आप सीखें तो ये आपको एज अ ह्यूमन बींग बहुत मदद करता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी लॉ, टेक्नोलॉजी लॉ भी बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि जिस जगह पे IITians को प्लेस किया जाता है, वहीं पे लॉ ग्रेजुएट्स को भी प्लेस किया जाता है, अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी लॉ को अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। टीम वर्क, ग्रुप का शेयर्ड और कॉमन गोल्स पे काम करना, ये MBA में सिखाया जाता है। MBA में आपको डेडलाइंस के बारे में बताया जाता है कि डेडलाइंस आर सैक्रोसैंक्ट, डेडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर काम को एकदम टाइम लिमिट में अच्छे से, फोकस्ड तरीके से आपको सबमिट करना है। तो ये सारी कई स्किल्स थी जो आपको इन तीनों प्रोफेशनल डिग्रीज और कोर्सेज में मिलेंगी, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ एक प्रोफेशनल डिग्री या कोर्स के पीछे ना भागें, अब जिस भी कोर्स में जाएं स्किलफुल बने, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लर्न करें, ताकि आप इंडिया को बेटर बना पाएं, अपने आप को एक एसेट बना पाएं, अपने आप को लाइबिलिटी की तरह से बिल्कुल ना देखें, ठीक है। हर एक चीज़ को डेवलप करें ताकि हमारा कंट्री जो है डेवलप कर पाए। इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको ये सब चीज़ें बताऊं मैं, और MBA के जो ग्रेड्स होते हैं उन्हें कंज्यूमर्स को अच्छे से जानना पड़ता है, उन्हें प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, उन्हें MS Excel, PPT, हर एक चीज़ सिखाई जाती है, तो प्रेजेंटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन के लिए मैंने मैकिन्जी की जो है कंसल्टेंट्स माइंड और मैकिन्जी एंड कंपनी के जो प्रेजेंटेशंस हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दी है, आप देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशंस वो लोग कैसे बनाते हैं और रिसर्चेस कैसे होती हैं, तो वो सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो गाइज, आई होप दैट यू गेन समथिंग फ्रॉम इट, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर दिस वीडियो टू एनीवन हु नीड्स दिस। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।